हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डायमेंशन ज्योमेट्री का फिर स्टडी करते हैं। टॉपिक कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी, और एक इसकी पैरेलल एक इक्वेशन है, ए एक्स डैश प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। मान ले ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक। मान ले इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसके और उसके बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या होगा, लेट फ्रॉम द पी पॉइंट एक्स वन वाई वन, लेट ये कोई पॉइंट, लेट ए पॉइंट ऑन फर्स्ट इक्वेशन इज पी एक्स वन वाई वन, पी एक्स वन वाई वन, ये कोई एक्स वन वाई वन पे ये कोई पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, पहले क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डी इक्वल टू सी माइनस सी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बीच, चलिए सी माइनस सी डैश माइनस सी कर लो, चलो ये मोड है, तो क्या आएगी प्लस की डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या आ जाती है, क्या जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या जाती है ए एक्स डैश प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो, लेस एनी पॉइंट ऑन द इक्वेशन ऑफ द पी एक्स वन वाई डी इक्वल टू सी डैश माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी प्लस, ठीक है। अब आगे है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स, मान ली लाइन्स है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक लाइन क्या है, मान ली ये लाइन एल वन है, एल टू लाइन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो,
इसका मतलब है सी वन एंड सी टू इज ग्रेटर देन जीरो इफ इफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज लेस देन जीरो लेस देन जीरो देन इट मीन्स इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन ए वन एक्स प्लस वाई प्लस बी वन वाई जी एन एक्सक्यूट बाई सेक्टर जी एन एक्यूट बाई सेक्टर एक्यूट एंगल बाई सेक्टर बी एन एक्सक्यूट एंगल बाई सेक्टर बी एन एक्यूट एंगल बाई सेक्टर ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज ग्रेटर देन जीरो देन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन ये इसका बाइसेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल अगर कोई पॉइंट अल्फा बीटा कोई कंटेन रखता है क्या करता है कुछ अल्फा बीटा पॉइंट क्या करता है कंटेन करता है कोई तो अगर ये आ जाएगा इसके लिए शर्त क्या होगी ए वन अल्फा प्लस ए वन ए टू अल्फा प्लस सी हो जाएगा ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन और इधर ए टू एल्फा प्लस बी टू बीटा प्लस सी टू हैव सेम साइन क्या है सेम साइन ये कंडीशन कब भी होगी कोई पॉइंट है एनी अदर पॉइंट है अल्फा बीटा में इसके लिए क्या कंडीशन होगी ए वन एल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन ए टू एल्फा प्लस बी टू बीटा प्लस सी टू हैव अपोजिट साइन फ्रॉम एनी पॉइंट पी एल्फा बीटा इफ अगर कोई पॉइंट इस पे अल्फा बीटा कंटेन कर रहा है तो अगर ये सेम साइन के है तो इक्वेशन ये होगी अगर ये अपोजिट साइन के है तो इक्वेशन क्या होगी ये होगी
ये इसका भी एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ दस। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब क्या है, फैमिली ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइंस, क्या है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइंस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइंस एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइन एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये इक्वेशन है तीन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो मैं कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड और थ्री, अगर सेकंड और थ्री के जो इंटरसेक्शन लाइन है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दैट शुड बी मस्ट ऑन फर्स्ट इक्वेशन, दैट शुड बी ऑन फर्स्ट। तो क्या आता है, बी टू माइनस बी थ्री माइनस सी टू, बी थ्री माइनस सी टू माइनस बी टू सी थ्री अपॉन ए वन बी टू ए टू बी थ्री, ए वन बी टू माइनस ए टू बी थ्री, बी थ्री ए टू माइनस ए टू ए थ्री, नीचे आएगा ए थ्री बी टू बी थ्री सी टू माइनस बी टू सी थ्री अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी थ्री, सी थ्री ए टू माइनस सी टू ए थ्री अपॉन ए थ्री बी टू माइनस ए टू बी थ्री। या इसको इस फॉर्म में अगर इसको लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ फोर्स कॉन्ग्रुएंसी, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी क्या आती है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी थ्री, ए थ्री बी थ्री सी, इनकी डिटर्मिनेशन क्या चाहिए, छूट भी दियर डिटर्मिनेशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी जीरो, विल बी जीरो। तो क्या आ जाए, अगर मान ले तीन इक्वेशन है, ये क्या है, तीन तीन इक्वेशन है, अगर इन तीनों पॉइंटों में, अगर तीनों ए से जो एक पॉइंट कॉमन है, मतलब इफ दे है, इफ वी हैव, इफ इफ दीस थ्री लाइंस आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, इफ दे पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, इफ पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट,
अगर मान लिया कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, तीन लाइन को, थ्री लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इफ हैव इन एनी वन पॉइंट इन कॉमन, या इन इंटरसेक्शन पॉइंट इन कॉमन दैट वन पॉइंट। अगर मान ले इन दोनों इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा तो इसको लाइक कर दे, इसको क्या कर जाते हैं, इस पर जरूर लाइक करेगा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट से, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से यू विल लाइक करेगा, तो इन दोनों इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के लिए ए वन ए टू थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री शुड बी जीरो, ये इसका आंसर है। लेट ए बी सी डी नॉन जीरो नंबर, क्वेश्चन है लेट लेट ए बी सी डी, बी ए नॉन जीरो नंबर, बी ए नॉन जीरो नंबर, लेट ए बी सी डी बी ए नॉन जीरो नंबर इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इफ द पॉइंट ऑफ द intersection of the line, if the intersection, let A, B, C be a non-zero number, if the point of the intersection of the line 4AX plus 2AY plus 2AY plus C is equal to 0 and एक और इक्वेशन है फाइव बी एक्स प्लस टू बी वाई, फाइव बी एक्स प्लस टू बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो लाइव इन द लाइव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, live in the fourth quadrant then it is equidistant from the two axes, then it is equidistant from two points, it is equidistant from the two axes, from two axes if then कब क्या होगा, देखो ए बी सी डी आर नॉन जीरो नंबर है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो, ये दो लाइन गिवन है फोर ए एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, फाइव बी एक्स प्लस टू वाई प्लस डी जीरो, लाइव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये यानी ये क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइव करते हैं, देन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू एक्सेस, दोनों एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस है, देन तो फिर क्या होगा, क्या होगा
लेट लेट दिस पॉइंट इज लेट दिस पॉइंट इज एच के एंड हियर एच इज ग्रेटर देन के. वो पॉइंट जो मान ले एच के है, तो वो पॉइंट जो है एच इज इक्वल टू जीरो है. एच इज इक्वल टू क्या है? जीरो है. ये क्या आएगा? फोर ए एच, क्या आएगा यहाँ पे? फोर ए एच माइनस फोर ए एच माइनस टू ए एच प्लस सी इक्वल टू जीरो. सिमिलरली यहाँ पे क्या रखा जाएगा? फाइव बी के प्लस माने तो भाई ए है या बी है? बाई ए बाई वन बाई वन ये का बाई फाइव बी के प्लस टू बी के प्लस बी इक्वल टू जीरो. ये आ गई सेवन फोर ए एच माइनस टू ए एच, क्या लगा यहाँ? टू ए एच प्लस सी इक्वल टू जीरो. फाइव बी के प्लस टू बी के सेवन बी के प्लस डी इक्वल टू जीरो. यहाँ एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस सी अपॉन टू ए, माइनस सी अपॉन टू ए. तो यहाँ पे क्या आएगा? डी अपॉन माइनस के. D upon 7B. ये थ्री कर लिया, चाहे थ्री कर लिया कुछ भी, थ्री बी के डी के इक्वल टू डी अपॉन थ्री बी, डी इक्वल टू क्या जाएगा? थ्री अपॉन बी. अपने दोनों को बराबर लिख लूंगा, फोर्स क्या आएगा? सी अपॉन टू ए इक्वल टू बी अपॉन माइनस थ्री. इसके दोनों क्या आएगा? माइनस थ्री बी सी इक्वल टू माइनस टू ए बी, माइनस है माइनस थ्री बी सी इज इक्वल टू टू. देखो भाई क्या था, एक क्वेश्चन था ए बी सी डी नॉन जीरो नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन. ये दो लाइन है, ये दोनों लाइनों से मान ले एक्स एक्स से भी और वाई एक्स से भी, मान ले वो पॉइंट एच के है, जो एच बी इक्वल है उसका के भी, एच के वेयर एच टेंड्स टू जीरो. अगर एच के है तो इस पर है लाइन कर रहा है, तो एच की वैल्यू यहाँ रख के इसमें के की वैल्यू रख दी सेकेंड में, यह आ गई. अब दोनों ने यहाँ एच की वैल्यू निकाली और क्या निकाली? के की. दोनों की डिस्टेंस है तो एच और के की दोनों वैल्यू रोक दूंगा, सोल्यूशन कर लूंगा, आंसर आ गया थ्री बी सी इज इक्वल टू टू ए डी. क्या आ गया? थ्री बी सी इज इक्वल टू टू ए डी. ये आई आई टी में आया हुआ है नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, अब है पेयर ऑफ स्टेट लाइन. अब क्या है? पेयर ऑफ स्टेट लाइन. Pairs of straight lines. Pair of स्टेट लाइन, पेयर ऑफ स्टेट लाइन. पेयर ऑफ स्टेट लाइन क्या होता है? मान लिया जनरल इक्वेशन है कोई, ये स्टेट लाइन की सेकंड डिग्री की इन टू वेरिएबल. क्या है इक्वेशन है ये? सेकंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये सेकेंड डिग्री की
होमोजी सेकेंड डिग्री की टू वेरिएबल की इक्वेशन है ये, सेकेंड डिग्री कैसी है, सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन कौन से वेरिएबल है सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल, सेकेंड डिग्री की है, कौन से वेरिएबल है इसमें, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। इसकी इक्वेशन है ए, जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ये है अगर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या आ गया ये टू ए एक्स, क्या आ गया एक्स, क्या आ गया टू ए एक्स प्लस टू एच वाई प्लस टू जी ये कॉन्स्टेंट जीरो प्लस टू एफ वाई भी जीरो, ये कह दिया। इसी तरह डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर जीरो टू एच एक्स वाई टू बी वाई टू बी वाई टू एच एक्स प्लस टू एफ इज इक्वल टू जीरो। अब मान लिया ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड आ गई, इन अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या निकालना हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या निकालना हूं इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, एच जी माइनस बी एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, इसका क्या आएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर ए एफ माइनस, क्या जाता है ए एफ माइनस ए एच जी एच, ए एफ माइनस जी एच, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये जाता है। देखो एक जनरल इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका। तो अब मैंने ये क्वेश्चन दिया कि किसी पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर वाई इन दोनों का फिर सोल्व कर लीजिए, इसके इसका सेम ये आ गया एच जी माइनस बी एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर ए एफ माइनस जी एच अपॉन ए बी माइनस एच का स्क्वायर, ये इसकी या है। अब आगे सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, जैसे मान ली एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ये सेकंड डिग्री ऑफ
होमोजीनियस इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक जोड़े को स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मान लिया एक जोड़े को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लिया एक ही इक्वेशन तो मान लिया है, एक ही इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एम वन एक्स है, दूसरी इक्वेशन क्या है कि वो y इज इक्वल टू एम टू एक्स, ये दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है एम वन प्लस एम टू यानी सम ऑफ स्लोप इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू एच अपॉन वी, माइनस टू एच यानी टू एच मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई अपॉन बी कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, एम वन प्लस एम टू एम वन एम टू एम वन एम टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी यानी कोफिशियंट एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशियंट एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट वाई स्क्वायर, एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हम जो है इसकी इक्वेशन सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसकी जो है सम ऑफ स्लोप एम वन एम टू ये दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या रहेगा ए अपॉन बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतने इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन 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 थ्रो 90 डिग्री then find the equation in new position, then find the equation of new position, if new position pe equation nikalni hai देखो भाई। अब ये क्या है, ये पेयर है इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दी हुई है, ये कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन होमोजीनियस है, क्या की रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पेयर करती है तो क्या आएगा वाई इक्वल टू मान ले वो दो लाइन है वाई इक्वल टू एक तो एम वन एक्स को पेयर को करती है क्या करती है वाई इक्वल टू एम टू एक्स, इसे करती है तो क्या जाएगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी और एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये इसको रिप्रेजेंट करती है तो ये आ जाएगा। जब इसको रिप्रेजेंट करती है और इसको जब रोटेट होता है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट ओरिजिन थ्रो द 90 डिग्री और ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है चीज क्या है इफ न्यू इक्वेशन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये न्यू इक्वेशन इसको जो है ये परपेंडिकुलर है रोटेट अबाउट टू 90 डिग्री ओरिजिन टू क्या है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है तो देन वी हैव वाई इक्वल टू क्या आएगा वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन एक्स
इधर से क्या आ जाएगा, M1y = -x, तो x प्लस M1y = 0, इस पहली इक्वेशन, एक क्वेश्चन। सिमिलरली अब इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, 4 परपेंडिकुलर, y = क्या जाएगा, -1/m2x, ये क्या जाएगा, x + m2y = 0, ये सही ना होगी। अब ये दोनों ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, x + m1y क्या आ जाएगा, x + m1y + x + m2y = 0। इन दोनों की क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, वैसे x² + m1 + m2 का y आ जाएगा, m1 xy m2 xy xy, दोनों से कॉमन ले लूंगा ये, +m1 m2 = 0। यहां तो बात समझ आ गई, फिर क्या करूंगा, m1 + m2 और m2 के वैल्यू रख दूंगा मैं, m1 m2 y² रहेगा भाई, बस m1 x के आगे x² + m1 m2 y² अब इसको क्या करूं, x² से चुका दूं भैया, पहले m1 m2 की वैल्यू कितनी है, यही -2h / पहले बी वाई m1 m2 y² m1 m2 क्या हो जाए, a / b y² m1 m2 -2h / b xy = 0। अब दोनों से बी से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, क्या b x² + a y² - 2h x y = 0, ये इक्वेशन, x² b x² + a y² = 2hxy - 2hxy = 0, ये इसकी कंडीशन हो, ये क्या आ जाएगी, यानी इसको फिर इन फॉर्म लिखने में चाहूँ, अगर वही स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखने इसी फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, ax² - 2hxy + by² = 0। यानी कि अगर कोई इक्वेशन ax² + 2hxy + by² 0 दे रखी है और उसको 90 डिग्री रोटेट में करना है, तो क्या इक्वेशन आ जाती है, ax² - 2hxy + by² = 0, ये जो है इक्वेशन आ जाती है। देखो ये इक्वेशन है, देखो हट के देखो ये इक्वेशन है, ये स्टेट ऑफ लाइन ये दो रिप्रेजेंट करती है, मान लो y = m1x और y = m2x, शो द टू रिप्रेजेंट शो पेयर ऑफ इक्वेशन, ये y = मान ले m1x, y = क्या गया, m2, m1 + m2 m1 * m2 आ गया, m1 + m2 क्या गया, -2h / b और m1 * m2 क्या गया, a / b। अच्छा अब ये इसके 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y = -1/m1x, y2 = क्या गया, m2 / ये, ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m1 के परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगी, m1 की उल्टी हो जाती है, तो m1 * m2 = -1, ये होती है ना, ये माइनस का और इसका उल्टा, ये हो जाएगी 1/m1x, ये हो जाएगी 1/m2x, जब इसको ही होता है दोनों का कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन का इसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये दोनों का मल्टीपल सिचुएशन आ गई और इनको दोनों को सोल्व कर लिया, फिर m1 m2 की वैल्यू रख ली, तो क्या आ गया, ax² - 2hxy + by² को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
इक्वेशन बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब है इक्वेशन क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे एक भी इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। चेंज के बीच में लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इफ इट इज पासिंग थ्रू द रीजन। ये पहली क्वेश्चन है, इफ इट इज पास थ्रू द रीजन, इफ इट्स पासवर्ड थ्रो द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास हो रही तो क्या जाएगा, जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वही है, मान लीजिए वो दो, ये भी दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक की जो है मान लीजिए स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप क्या है m2 है। एक का स्लोप कितना है इसमें m1 है, दूसरे का स्लोप कितना है मान लीजिए m2 है। तो इसका एंगल बिटवीन देम एंगल क्या जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए, क्या जाएगा 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, इफ अगर इन दोनों में इफ लाइन इज पैरेलल है तो क्या जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर तो देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अगर लाइन पैरेलल है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो देन, ये गिवन लाइन है। अगर इसके लाइन के एंगल ये निकालते हैं कि आया कहां से है, जैसे टेन थीटा इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये लाइन फोर पैरेलल पैरेलल के लिए क्या जाएगा, ए थीटा इक्वल टू जीरो, तो टेन जीरो इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, ये क्या आ गया टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ का स्क्वायर वर्ग स्क्वायर करके आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। फोर परपेंडिकुलर तो टेन नाइनटी इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। टेन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, इट मीन्स दैट इज द समथिंग अपॉन जीरो, जीरो की वैल्यू ये आ गई, तो ये आ गई, तो ए प्लस हैंस इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी शुड बी जीरो।
इक्वेशन पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है इक्वेशन ऑफ एंगल्स? इक्वेशन पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो क्या होता है, ये क्यू इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है इसके इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है इक्वेशन, रिजल्ट देना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल एक्स वाई अपॉन एच क्यू। क्या होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस एक्स वाई अपॉन एच ए पी ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बाई फैक्टर की इक्वेशन ये होती है। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल है इफ द पे ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस इफ द इफ दिंग If the pair of straight line, if the pair of straight line if the pair of straight line x square minus 2 pi x x equation है x square minus 2 pi x minus y square is equal to 0 and एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर सच दैट ईच पेयर बाइसेक्टर आर एंगल बाइसेक्टर आर सच दैट ईच पेयर of bisector is the angle bisector or each are such that each pair of bisector is the angle bisector. Bisects are the if the angle of bisector then
find then या प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू माइनस यानी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी माइनस वैल्यू होगी देखो भाई आंसर क्या है ये दिया है इफ द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये कोई पेयर है स्ट्रेट लाइन पहली है मान लिया दूसरी है इसका आर द इच ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्ट्स इज द एंगल ऑफ बाइसेक्टर इसका एंगल का जैसे पहली क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए माइनस ए की वैल्यू क्या कोएफिशिएंट वन बी की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू क्या आता है एक्स वाई अपॉन एच एच की वैल्यू क्या आती है माइनस के पी टू एच एक्स वाई होते हैं ना एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है कोएफिशिएंट है पी इन्हें दोनों क्या कर लूंगा मैं इन्हें क्या क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी तो क्या गया माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई तो क्या गया पी वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ए आ गई पी वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये इसका गिवन है कि इसका बाइसेक्टर है क्या ये जब इसका ये गियर और ये गियर ये दोनों इसका ये इसका बाइसेक्टर है ये गियर निकाला दोनों क्या होनी चाहिए विल बी सेम जब दोनों सेम होनी चाहिए इनकी रेशियो भी सेम होगी इनकी रेशियो भी सेम होगी तो क्या आ जाएगा यहां से इसमें एक्स स्क्वायर की रेशियो क्या है वन तो माइनस पी अपॉन वन इक्वल टू इसमें क्या है ठीक है इसमें y का कोफिशियंट क्या है y स्क्वायर की क्या है पी अपॉन इसमें क्या है y स्क्वायर का माइनस वन पी अपॉन वन इक्वल टू पी अपॉन वन और इसमें क्या है वन अपॉन क्यू वन अपॉन क्यू दोनों को ले लूंगा क्या आएगा पी क्यू इज इक्वल टू माइनस वन क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा मान लिया देख भाई ये
मैंने इसका यह है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है सच दैट ईच पेयर ऑफ बाइसेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ द बाइसेक्टर, इसके एंगल ऑफ द बाइसेक्टर की इसकी इक्वेशन कर दी निकाल ली, ये खुद अपने में एक दूसरे बाइसेक्ट दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे, उनकी रेशियो लिख ली और पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया माइनस के वन आ गया, पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया माइनस के वन। अब क्या है मान लिया लेट इक्वेशन होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, क्या है होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू एफ वाई इक्वल टू थ्री, और ये कोई इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कैसी किसकी भी हो सकती है, एक सर्कल की भी हो सकती है, पैराबोला की भी हो सकती है, इक्लिप्स की भी हो सकती है, हाइपरबोला की भी हो सकती है, इस तरह की सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन है ये, और एक कोई लाइन है मान लिया एक कोई लाइन है जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो इसे इंटरसेक्ट करती है, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन इसे जो क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, इसे इंटरसेक्ट करती है तो किसे क्या ले ले? अब जब इसे इंटरसेक्ट कर रही है इसे क्या आ गया एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस, ये क्या आ गया एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन इज इक्वल टू वन, इस इक्वेशन को मैं इसके साथ इसके जब ये इंटरसेक्ट कर रही है इसकी होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, जब इसे ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू दोनों में कॉमन ले लिया, ये आ गया जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी, ये आ गया ये भी देखो ये भी सेकंड हुई ये भी सेकंड डिग्री है इसकी भी सेकंड डिग्री है इसकी भी सेकंड डिग्री एडिटिव देख लिया, इसको सेकंड डिग्री बनाने के लिए यहां जो है फर्स्ट डिग्री है जो तो अब इनटू मल्टीप्लाई वन कर सकता हूं इसे भाई, इसकी वैल्यू रख दूंगा क्या जाएगा टू जी एक्स प्लस एफ वाई ये क्या एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, इसको सी सी इंटू इसे कर सकता हूँ वन का स्क्वायर सी इंटू वन का स्क्वायर भाई वन का स्क्वायर वन आ जाएगा क्योंकि यहाँ दो डिग्री चाहती है तो दो वन का स्क्वायर याद आ जाएगा ये क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन सी आ जाती तो ये क्या आ जाता है इसका इस इक्वेशन का ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनानी हो तो इस तरह ये बना देते हैं, एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं जैसे कि ये इक्वेशन है इसको जो है फॉर्म में बनाने के लिए वन की फॉर्म बनाने के लिए इसको जो है वन से मल्टीप्लाई करके और जहां नहीं आया तो वहां वन का स्क्वायर लिख देंगे और इसका जो है सोल्यूशन निकाल देंगे, जैसे
जैसे स्ट्रेट लाइन joining the origin of the points joining origin of the point straight line joining origin of the point of intersection of the straight line straight line joining angle of the point of the intersection lines h x plus k y is equal to 2 h k h x plus k y is equal to 2 h k and the curve and the curve and the curve x minus h square x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर देन फाइंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू वन इसकी वैल्यू निकालनी है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू वन r एट राइट एंगल r एट राइट एंगल देखो क्वेश्चन क्या है स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू टू एच के एंड कर्व एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अच्छा अब देखो अब ये क्वेश्चन दे रखी क्या होगी एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू टू एच के ये दे रखी है ना भाई. इसको जो है वन फॉर्म में बना लूंगा पहले तो क्या आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई अपॉन टू एच के इक्वल टू वन. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. एक इक्वेशन ये दे रखी है x माइनस एच का स्क्वायर क्या दे रखी है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर. ये सी स्क्वायर है क्या दे रखी है x माइनस एच का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस वाई का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस टू वाई के इक्वल टू सी स्क्वायर. क्योंकि आगे एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस टू एक्स एच और प्लस टू वाई के टू एक्स एच प्लस माइनस के दो दोनों में कॉमन लेगा क्या आ गया एक्स एच प्लस वाई के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसको होमोजीनियस बनाने के लिए वही है ये लाइन है इसे वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे वन का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ ये. अच्छा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर आएगा. ये भी जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के जाएगा एच का स्क्वायर
एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ये भी देखो अब क्या आ जाएगा, ये अब देखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एच एक्स प्लस के वाई, इसे वन को क्या लिख दूंगा एच एक्स प्लस के वाई अपॉन टू एच एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये आ गया वन की वैल्यू एच एक्स प्लस के वाई एच एक्स प्लस के वाई अपॉन टू एच के का वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो भाई क्या आ गया ये, अच्छा अच्छा ये दे रखा है जी ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ द, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा है, अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा है मान ली एक परपेंडिकुलर है, क्या ज्वाइन की ओरिजिन कर रहा है। अच्छा अब इसका जो है इसके कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर विल बी द सम ऑफ, क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो भाई ये आना चाहिए, तो इसमें क्या जाएगा ये देखो, एक तो यहां से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक यहां से आएगा इसको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है एक एच स्क्वायर यहां से आएगा एक्स का स्क्वायर टू एच एक्स का स्क्वायर, ये एक यहां से आएगा टू के वाई स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ये है, तो इसका क्या आएगा इन्हें दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे सोल्व करें क्या आएगा देखो बताओ क्या आएगा, ये करो सोल्व इसको इकट्ठे करो करो सोल्व इसको, इसको भी सोल्व करो इसको भी सोल्व करो क्या आएगा बताओ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, देखो ये क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक भाई अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लूंगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दोनों जीरो कॉमन ले लूंगा, या फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दो एच स्क्वायर के स्क्वायर कभी जीरो ही नहीं हो सकता, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विल नॉट जीरो, तो क्या आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ गया देन व्हाट इज द वैल्यू बी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो,
क्या क्वेश्चन है? स्ट्रेट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इसके ये लाइन है और एक ये जो है कॉल्ड होमोजीनियस फील्ड। इसके लाइन और होमोजीनियस का उसके वन के बना लेंगे, बता रहे पीछे अलग अलग एम वाई एन को, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए इसको इसको खोल लेंगे पहले, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसके कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लिए सिंगल वाले एल इस तरह के, फिर इसको क्या होमोजीनियस बनाने के लिए वन से मल्टीप्लाई, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए वन का स्क्वायर से, वन का स्क्वायर का मतलब यहाँ से वन आ गया, वन का स्क्वायर ये रख दिया ये, और अब इसको जो है अगर ये ओरिजिन से है तो इसका क्या होगा कोएफिशिएंट, इसका इसके कंपोनेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया तो ये जीरो हो नहीं सकता, दैट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे घर से करके लाना है, अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट भी इसका याद कर लेना। जैसे प्रूव दैट द प्रोडक्ट, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्रोडक्ट फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द परपेंडिकुलर अल्फा बीटा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अल्फा बीटा टू पेयर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या है इसका जीरो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एल्फा, बीटा प्लस बी बीटा का स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर एच का स्क्वायर। यही प्रूव दैट द प्रोडक्ट पेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ, इस पे से जो जो ये लाइन दो लाइन ड्रॉन करी जा रही, जो लो जो ये दो लाइन ड्रॉन करो जा रही, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, द प्रोडक्ट फ्रॉम द परपेंडिकुलर, मान ली अच्छा तो इनका जो परपेंडिकुलर है वो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर होता है। तो क्या होता है प्रोडक्ट कितना होता है, अच्छा पहले मान लें कि पहली क्वेश्चन मान लेंगे वाई इक्वल टू एम वन एक्स, दूसरी का मान लेंगे वाई इक्वल टू एम टू एक्स, इनमें से एम वन प्लस एम टू और एम टू ये जो है पहले जो है इसके परपेंडिकुलर निकाल लेंगे टी वन वाई इक्वल टू एम वन एक्स के, फिर क्या वाई इक्वल टू एम टू एक्स के भी परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक इसकी एम वन एम टू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक जो है इसका आंसर ये आ जाएगा, इसे घर से कर लेना ठीक है, मैं तो फिर नेक्स्ट टर्न पे इसको सोल्यूशन करेंगे।
ठीक, एनी प्रॉब्लम कोई ऑफ एनी स्टूडेंट? ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक्स ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक।